नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चुनाव आज तक और आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी कंडवाल। बंगाल में जिस तरह की सरगर्मियां दिखाई दे रही हैं, बीजेपी बनाम बीजेपी की लड़ाई, सवाल ये इसलिए क्योंकि कुछ तस्वीरें आपको हम दिखाते हैं जिसमें ये नजर आ रहा है कि बंगाल में कई जिलों में बीजेपी कार्यकर्ताओं के भीतर आक्रोश है। अपने ही दफ्तरों में तोड़फोड़ कर रहे हैं, नेताओं के पोस्टर जला रहे हैं क्योंकि नाराजगी है टिकट ना मिलने पर। सब मिलकर के ममता जी को चुनाव में शिकस्त देंगे और भारतीय जनता पार्टी को जीत दिलाएंगे। शोभन चटर्जी ने रेजिग्नेशन डाल दिया, क्या कुछ फर्क पड़ेगा? हमारा परिवार है, सब लोगों को संभालना हमारा काम है, हम संभालेंगे। बीजेपी अध्यक्ष बंगाल में अपनी ही पार्टी के कार्यकर्ताओं के बवाल को संभालने का दावा कर रहे हैं। बीजेपी को अनुशासित पार्टी बता रही है, लेकिन गुरुवार को बंगाल से ऐसी तस्वीरें सामने आई वो दिखा रही हैं कि बंगाल में बीजेपी के भीतर सब कुछ ठीक नहीं है। दरअसल दिल्ली में गुरुवार को बीजेपी ने बंगाल चुनावों के लिए उम्मीदवारों की लिस्ट जैसे ही जारी की, वैसे ही बंगाल में बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच असंतोष की आग भड़क उठी। गुस्से की इस आग में बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं के पोस्टर स्वाहा हो गए। दुर्गापुर के पांडेश्वर सीट से टीएमसी से बीजेपी में आए जितेंद्र तिवारी को टिकट मिला तो बीजेपी कार्यकर्ताओं का गुस्सा उबलने लगा। आरोप ये कि जितेंद्र तिवारी की वजह से कई बीजेपी कार्यकर्ताओं को मारा पीटा गया, उन्हें जेल भेजा गया। अब उन्हें जितेंद्र तिवारी की उम्मीदवारी कबूल नहीं है। ऐसी ही तस्वीर मालदा में नजर आई। गजोल सीट से चिन्मय देव बर्मन को टिकट दिए जाने के खिलाफ बीजेपी कार्यकर्ताओं ने अपने ही दफ्तर में जमकर तोड़फोड़ की। वहीं मतीउर रहमान की उम्मीदवारी के खिलाफ भी शोले भड़क उठे। दिलीप घोष के बैनर पर भी कार्यकर्ताओं का गुस्सा फूटा। राजहाट, गोपालपुर और दमदम सीटों पर भी दिल्ली से घोषित उम्मीदवारों के खिलाफ कार्यकर्ताओं की नाराजगी सामने आई। जलपाईगुड़ी में भी पार्टी के समर्थक आपस में भिड़ गए और पार्टी ऑफिस में जमकर तोड़फोड़ की। वहीं उत्तर 24 परगना में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने टीएमसी से बीजेपी में आए अरिंदम भट्टाचार्य को शांतिपुर से टिकट दिए जाने पर हंगामा खड़ा कर दिया। आखिरकार बंगाल में ऐसा क्या हो गया कि सुशासन और अनुशासन को भूल बीजेपी के कार्यकर्ता अपनी ही पार्टी के खिलाफ बगावत कर बैठे? इसकी एक बड़ी वजह टीएमसी से बीजेपी में आए दल बदलों को टिकट देना बताया जा रहा है। ऐसा कहा जा रहा है कि 294 सीटों के लिए अब तक 283 उम्मीदवारों की लिस्ट बीजेपी ने जारी की है। इनमें लगभग 150 उम्मीदवार ऐसे हैं जो तृणमूल, सीपीएम और कांग्रेस से आए हैं। बरसों से इनके खिलाफ लड़ते आए बीजेपी कार्यकर्ता अब उन्हें अपना नेता कबूल करने को तैयार नहीं है। दूसरी तरफ बीजेपी इसे पार्टी में लोकतंत्र होने का सबूत बता रही है। तृणमूल से आए हुए कैंडिडेट को ज्यादा सपोर्ट मिल रहा है। प्रजातंत्र पार्टी है, सब लोग डिसिप्लिन में करना और काम करना जानते हैं। सब मिलकर के ममता जी को चुनाव में शिकस्त देंगे और भारतीय जनता पार्टी को जीत दिलाएंगे। बंगाल से आ रही तस्वीरें इस बयान से मेल नहीं खाती। दरअसल बंगाल की ये तस्वीरें बीजेपी को भी सकते में डालने वाली हैं। जिस लिस्ट पर बवाल मचा है उसे फाइनल करने के लिए दिल्ली में सुबह 4:30 बजे तक बैठक चली थी। बैठक में आधी रात के बाद तक प्रधानमंत्री मोदी खुद भी मौजूद थे। इसके बावजूद उस लिस्ट पर बंगाल में मचता बवाल बीजेपी नेताओं को परेशान कर रहा है। সবার আশা ছিল আমাকে টিকিট দেবে পার্টি, আমি এমএলএ হব। সম্ভব নয়, যে কটা সিট সে কজন টিকিট পাবেন তাই পেয়েছেন। তারা সবই আমাদের হয় কার্যকর্তা, সিম্পাথাইজার বা যারা ভারতীয় জনতা পার্টির ঝান্ডা ধরে বাংলার উন্নয়নে সাথী হতে চান, এরকম লোকেরা তাদের আমরা স্বীকার করেছি। যাদের জিতার সম্ভাবনা আছে বেশি তাকেই পার্টি দিয়েছে।
दिलीप घोष कह रहे हैं कि जिनके जीतने की संभावना है उन्हें टिकट दिया जा रहा है, लेकिन मामला कुछ और है। यहाँ तो जिसे टिकट मिला वही कह रहा है कि वो लड़ना नहीं चाहता। बीजेपी ने शिखा मित्रा को चौरंगी सीट से टिकट दिया, लेकिन वो कह रही हैं मैं चुनाव नहीं लड़ रही और बीजेपी से तो बिल्कुल नहीं। मुख्यमंत्री कोनो मते बीजेपी ते दाड़ाच्छे ना, जे संवाद भुवो संवाद आपनादेर काछे बला होच्छे। इसी तरह तरुणा साहा ने भी बेलगछिया से चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा मैं बीजेपी में हूँ ही नहीं। ऐसे में तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा ने बीजेपी के टिकट बंटवारे पर चुटकी ली। उन्होंने ट्वीट किया बीजेपी ने आखिरकार दो हफ्ते बाद पश्चिम बंगाल उम्मीदवारों के नाम घोषित किए और जिनके नाम लिस्ट में है उनका कहना है कि वो बीजेपी का हिस्सा नहीं है और ना ही बीजेपी के टिकट के पीछे भाग रहे हैं। मिस्टर शाह आपको कुछ होमवर्क करने की जरूरत है। टीएमसी कह रही है कि बीजेपी को बंगाल में उम्मीदवार नहीं मिल रहे। इससे पहले उसने सांसदों को चुनाव में उतारने पर चुटकी ली थी। कोलकाता से सूर्य अग्नि रॉय, इंद्रजीत कुंडू और अनुपम मिश्र के साथ आज तक ब्यूरो। नंदीग्राम में ममता बनर्जी का मुकाबला कर रहे शुभेंदु अधिकारी जमकर चुनाव प्रचार कर रहे हैं। ममता ने उन्हें गद्दार और मीर जाफर तक करार दे दिया, तो शुभेंदु ने इसे ममता की खींच बताया है। मने रखबेन जरा गद्दार जरा मीर जाफर तारा आज के बीजेपी प्रार्थी। बीजेपी पुरानो लोकेरा नहीं, तारा दुखे घरे बसे कांपछे। आर किछु सीपीएम एर हारमान आर किछु तृणमूल कांग्रेस थेके जरा चोट चोटा चिटिंग बाज कयेकटा गेछे सेई कटा गिये ओखाने गिये रिगिं की क्वीन बोल रही है। डेमोक्रेटिक तरीके से चुनाव होने से बंगाल में ममता बनर्जी का हार तैयार है, इसलिए ऐसा बोल रहा है। अभी भी गलत तरीके से पूरा एडमिनिस्ट्रेशन को पुलिस को इस्तेमाल कर रहे हैं और कुछ घुसपैठियों को देकर पाकिस्तानी को देकर कैंडिडेट को रोक रहा है। पुलिस खड़ा होकर देख रहा है, इधर तो चल रहा है। दीदी रुकना मुश्किल है, जनता साथ है, भारत माता की जय होगा। एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान भी प्रचार के लिए मैदान में नजर आए, ममता बनर्जी पर तीखा हमला बोला। शिवराज ने कहा कि उनके लिए दीदी का मतलब है डिक्टेटर। उन्होंने अपने हिसाब से टीएमसी का फुल फॉर्म भी बताया। टीएमसी मतलब लोगों के पास जो पैसा आता है उसको खा जाओ। बताओ मोदी जी पैसा भेजते हैं आपको मिलता है क्या? मैं आपसे पूछ रहा हूँ पैसा मिलता है क्या? ये टीएमसी वाले ही खा जाते हैं। कट मनी, तोलाबाजी। अरे हम भी चौथी बार मुख्यमंत्री है, मध्य प्रदेश में कट मनी नहीं सुनोगे, लेकिन यह कट मनी तोलाबाजी क्या? टीएमसी का एक मतलब और है, टी मतलब टेरर आतंक, एम मतलब मर्डर और सी मतलब करप्शन भ्रष्टाचार। ये टीएमसी हो गई है। मैं टीएमसी के गुंडों को चेतावनी देता हूं, 2 मई ममता गई दीदी गई, एक एक गुंडों को समझ सिखाया जाएगा, चिंता मत कर। चुनाव प्रचार के लिए राहुल गांधी असम में हैं। डिब्रूगढ़ में उन्होंने कॉलेज के छात्रों से बात की। छात्रों ने बेरोजगारी और बाढ़ की समस्या का मुद्दा उठाया तो राहुल गांधी ने उनके सवालों के जवाब दिए। नफरत और बेरोजगारी में डायरेक्ट कनेक्शन है। अगर नफरत बढ़ेगा बेरोजगारी बढ़ेगी, अगर बेरोजगारी बढ़ेगी नफरत बढ़ेगी, अगर नफरत कम होगी बेरोजगारी कम होगी, बेरोजगारी कम होगी नफरत कम होगी। जो हम लोगों के यहाँ जब जब प्रॉब्लम होता है, फ्लड का प्रॉब्लम होता है, बड़ा प्रॉब्लम होता है, तब देश का प्रधानमंत्री यहाँ नहीं आते। जब इलेक्शन आता है तब भी प्रधानमंत्री यहाँ आता है और यहाँ आके बड़ा बड़ा बात बोल के चला जाता है। दूसरी बात ये बोल रहा है भैया, एक बात बताओ, फ्लड के टाइम आप प्रधानमंत्री को कुछ दे सकते हो? फ्लड के टाइम आप प्रधानमंत्री को कुछ दे तो नहीं सकते, इसलिए वो आते नहीं है। इलेक्शन के टाइम उनको आप वोट दे सकते हो, इसलिए आते हैं। जब आप उनको कुछ दे सकते हो आ जाते हैं,
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने महिलाओं के फटी हुई जीन्स के स्टाइल पर ऐसी टिप्पणी की जिसके बाद सोशल मीडिया से लेकर पॉलिटिकल सर्कल तक जबरदस्त रिएक्शंस दिखाई दिए। लेकिन आपको हम दिखाते हैं दिल्ली की तस्वीर, जहां पर आज कांग्रेस ने मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के इस बयान को लेकर विरोध जताया और इस दौरान हमारे संवाददाता कुमार कुणाल ने वहां से ये रिपोर्ट फाइल की। कनॉट प्लेस में एक अनूठा प्रदर्शन चल रहा है और ये प्रदर्शन फटी हुई जीन्स को लेकर के, जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का बयान आया है उसको लेकर के दिल्ली की महिला कांग्रेस की जो कार्यकर्ताएं हैं वो यहाँ पर इस समय प्रदर्शन कर रही हैं। इनके जो साथ प्लेकार्ड है उसमें सोच बदलो तभी देश बदलेगा, रिप जीन्स सेट बैड एग्जाम्पल। अमृता आप हमारे साथ हैं, आप लोगों ने ये जो प्रोटेस्ट किया है कनॉट प्लेस में, क्या मकसद, क्या वजह, क्या बात कहना चाहते हैं? देखिए, जो अभद्र टिप्पणी की है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी ने वो ये दर्शाता है कि जो संकीर्ण मानसिकता है वो भाजपा और आरएसएस का असली चेहरा है। फटी हुई जीन्स को बदलने की जरूरत नहीं है, फटे हुए माइंडसेट को बदलने की जरूरत है। और ऐसी घटिया सोच की वजह से ऐसा होता है, जब रिस्पॉन्सिबल पोजिशन पे लोग बैठे होते हैं और ऐसी बातें करते हैं तो जो गुंडे मवाली सड़क पर जो लोग चलते हैं और जो उनकी आर्मी है वो हम सबको ऑब्जेक्टिफाई करती है। अच्छा, कई सारे बच्चे भी हम देख रहे हैं यहाँ पर, छोटे बच्चे भी जीन्स में, रिप जीन्स में। आप लोगों ने एक मैसेज देने की कोशिश की है, क्या है मैसेज? वो मैसेज ये है कि उनकी सोच है, अगर हमने जीन्स फटी हुई पहनी तो हम अपने बच्चों को संस्कार नहीं देंगे, जो बहुत ही घटिया सोच है। मुझे नहीं लगता कि मैं अपने बच्चों को ऐसी कोई संस्कार दूंगी जो वो गलत रास्ते पर, उनकी सोच ऐसी है। क्या यही मकसद आने का? हाँ जी, मैंने रिप जीन्स पहनी है क्योंकि हमें लड़कियों के कैरेक्टर को उनके पहनावे से जज नहीं करना चाहिए। मैंने रिप जीन्स पहनी है लेकिन मेरा बच्चा वो बहुत संस्कारी बनेगा, बड़े होकर औरतों की इज्जत करेगा और सारे क्राइम्स के अगेंस्ट खड़ा होगा। तो यहाँ पर ये हो रहा है कि एक संदेश जाए कि जो मुख्यमंत्री उत्तराखंड के हैं उन्होंने जो बात कही है, उन्होंने जो टिप्पणी की है फटी हुई जीन्स को लेकर के, उस पर अपनी तरफ से न सिर्फ सफाई दें बल्कि माफी भी मांगे और एक तरह से यहाँ से मैसेज भी जाए कि जो विरोध है वो सिर्फ विरोधी पार्टियों का नहीं है बल्कि महिलाएं हैं, उन पार्टी की कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस की कार्यकर्ता हैं। लेकिन यहां से कोशिश ये मैसेज देने की कि जो इस तरीके की सोच है उसके खिलाफ सब एकत्रित हो। कैमरामैन पवन के साथ कुमार कुणाल, दिल्ली आज तक। चुनाव पर हमारे इस खास कार्यक्रम चुनाव आज तक में इतना ही, वक्त एक ब्रेक का, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओमकश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।